Hello students, this is Professor Amit Mishra here and let us start a revision of one more chapter from part A. EBCL का आपका और एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है, जिसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एग्जैक्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या है, प्लीज हमें बता दीजिए. तो कुछ नहीं है, सारा कुछ सॉल्व कर देंगे, बस 45 मिनट्स to 1 आवर तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है. देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. अच्छा, और एक बार बता देना चाहता हूँ तुम लोग को कि ये चैप्टर जो मैंने है ये मैंने लिखवाया था बच्चों को क्लासरूम में, ठीक है. तो वहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां से पढ़ने वाले हैं, ठीक है. अपने को मेन पढ़ना यहां से है, ठीक है. देखो ये जो भी चीज दी गई है ना, यहाँ पर जितनी भी चीज दी गई है ये जेकेएससी के नोट्स है, ठीक है. ये मेरे नहीं, ये जेकेएससी के नोट्स है, ठीक है. तो जो भी चीज यहाँ पर दी गई है ना, उन्हीं सब चीजों को मैंने क्या किया है, वहां पर क्लासरूम में बच्चों को लिखवाया था. और वहां से क्या किया मैंने, वहां से एक बच्चे से उसका स्कैन कॉपी मंगा लिया, ठीक है. तो मैं आपको वहां से पढ़ाने वाला हूँ. क्या लिखा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. अब ध्यान देना, ठीक है, चेंज हो जाए, हाँ ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है. अब फॉरेनर है, अगर फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट. अब इन्वेस्ट क्या करेगा, कैपिटल. अब कैपिटल इन्वेस्ट मतलब पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है. कैपिटल नहीं, चलो मैं पैसा लिख देता हूं, ठीक है. इन्वेस्ट क्या करेगा, मनी इन्वेस्ट करेगा. अगर मनी इन्वेस्ट करता है इक्विटी में तो उसको बुलाया जाएगा एफडीआई. लेकिन अगर पैसा इन्वेस्ट करता है डेट में तो उसको बुलाया जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. क्या बुलाया जाएगा बेटा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बुलाया जाएगा, ठीक है. अब एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड इंडिया, कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस की बात हो रही है, और बोरिंग्स मतलब लोन या तो डेट इंस्ट्रूमेंट. तो जब भी एक इंडियन रेसिडेंट एंटिटी, आई रिपीट, जब भी एक रेसिडेंट एंटिटी जो इंडिया का है वो अगर आउटसाइड इंडिया से कमर्शियल पर्पस के लिए बोरोइंग करता है तो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बुलाया जाता है, ठीक है. अच्छा देखो मैंने पूरा बना दिया है, एंटिटीज इन इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया से लोग क्या कर रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, तो उनको क्या बुलाया जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बुलाया जाएगा. अच्छा अब सवाल ये होता है कि सर इंडिया से भी तो लोन मिलता है, लोन तो इंडिया से भी मिलता है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्यों, हमको फॉरेन से लोन क्यों लेना है. बहुत सिंपल, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी का नाम है गांजा लिमिटेड. नाउ इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है आउटसाइड इंडिया, इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है कहां पर, आउटसाइड इंडिया यानी यूएस में प्रोजेक्ट मिला है. तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इंडिया, देखो यूएस में प्रोजेक्ट मिला है तो इंडिया से लोन लो, फिर वो लोन लेके जाओ, ऑथराइज डीलर से कन्वर्ट कराओ और फिर यूएस में यूज करो, कितना लंबा प्रोसेस जाएगा. इससे अच्छा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्यों ना हम लोग यूएसए से ही लोन लेके यूएसए में यूज कर ले. हाँ जी, क्यों ना हम लोग यूएसए से लोन लेके यूएसए में यूज कर ले. सो कैन वी बोरो फ्रॉम यूएसए, यस डेफिनेटली गांजा लिमिटेड कैन बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. एंड जब भी आउटसाइड इंडिया से बोरोइंग किया जाएगा उसको क्या बुलाया जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बुलाया जाए. सिंपल, तो यस कंपनी कैन बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है दैट इंडियन कंपनी has got project outside India. Project कहाँ मिला बेटा, outside India मिला है, ठीक है. ये पहला. Second लिखा है अब गांजा लिमिटेड को लोन चाहिए, अच्छी लोन चाहिए. अब वो लोग कहाँ अप्लाई करते हैं लोन के लिए, फॉरन बैंक में. Why? Because second reason is foreign में rate of interest low है, ठीक है. Foreign में rate of interest is lower as compared to India. हाँ जी, अब फॉरन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोअर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉरन में जाके लोन ले सकते हैं इजिली, ठीक है. अच्छा थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन ये है कि फॉरन में इंडियन कंपनी has wholly owned subsidiary or joint venture in foreign country. हाँ जी, इंडियन कंपनी का क्या है, होली ओन सब्सिडरी है या तो जॉइंट वेंचर है, कहां पर है, फॉरेन कंट्री में है. आई रिपीट, कहां पर है, फॉरेन कंट्री में. तो फॉरेन कंट्री में जो होली ओन सब्सिडरी या तो जॉइंट वेंचर है तो उनको जो चलाने के लिए पैसा लगता है वो पैसा भी हम लोगों को कहां चाहिए, एब्रॉड में चाहिए. तो हम एब्रॉड से पैसा रेज करते हैं और एब्रॉड में यूज कर लेते हैं. लेकिन लोन कौन ले रहा है, गांजा लिमिटेड विच इज एन इंडियन कंपनी, ठीक है. तो इसके लिए इसको भी क्या बुलाया जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बुलाया जाएगा, ठीक है. अब बहुत ही महंगा ज्ञान देने वाला, तुम लोगों को ध्यान देना, ठीक है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रेस करने के दो करेंसी होते हैं,
है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अभी तक तो तुम लोगों को समझ गया होगा ना कि ईसीबी हमेशा कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कोई बोरिंग कर रहे हो तो उसको ईसीबी बुलाया जाएगा नहीं। क्लियर है? अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के लिए दो चीज होता है, ठीक है। एक होता है डॉलर डिनोमिनेटेड ईसीबी और एक होता है रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? डॉलर डिनोमिनेटेड ईसीबी और रूपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। ठीक है, जब भी मैं बोलता हूं डॉलर डिनोमिनेटेड ईसीबी तो इसका मतलब ईसीबी यानी बोरोइंग्स यानी लोन कैसे लिया जाएगा? फॉरेन करेंसी में। और एंड रीपेमेंट भी कैसे होएगा? रीपेमेंट विल ऑल्सो बी डन इन फॉरेन करेंसी। यानी लोन भी ले रहा, लोन ले रहा हूं कौन से करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। और रिपेमेंट भी कौन से करेंसी में कर रहा हूं? फॉरेन करेंसी। अब रूपी डिनोमिनेट क्या होता है? लोन ईसीबी यानी लोन विल बी टेकन फ्रॉम फॉरेन इन रुपीज, इन रुपीज। एंड रिपेमेंट विल ऑल्सो बी डन इन रुपीज एंड रिपेमेंट विल ऑल्सो बी डन इन रुपी। तो जब भी ऐसा बोला जाता है ना कि डॉलर डिनोमिनेटेड या रुपी डिनोमिनेटेड तो लोगों को लगता है कि भाई पैसा आएगा डॉलर में भी, सॉरी पैसा डॉलर में आएगा या पैसा रुपीज में आएगा। तो जब भी मैं डॉलर डिनोमिनेटेड या रुपी डिनोमिनेटेड बोल रहा हूं तो पैसा आएगा भी डॉलर में जाएगा भी डॉलर में, और अगर रुपी डिनोमिनेट बोल रहा हूं तो पैसा आएगा भी रुपीज में जाएगा भी रुपीज में। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज। फॉर एग्जाम्पल पहला मैं डॉलर डिनोमिनेटेड का बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात किसका करूंगा? डॉलर डिनोमिनेटेड का। अब हुआ क्या यहां पर, से फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन की जरूरत थी, ठीक है, मुझे लोन की जरूरत थी। यहां पर इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी है, गांजा लिमिटेड, ठीक है। गांजा लिमिटेड को क्या है बेटा? लोन की जरूरत है। अच्छा, कितने लोन की जरूरत है? से फॉर एग्जाम्पल 1 crore US dollars। तो फॉरेन बैंक है, कौन है? फॉरेन बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक ने क्या किया, मेरे को 1 crore dollars दे दिए। क्या दे दिया? 1 crore dollars दिया। बट एक बात समझना आप लोग, मुझे 1 crore dollars दे दिया लेकिन इंडिया में खर्चा करने के पहले तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सपोज जब ही लोन लिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, हाँ जी, जब ही लोन लिया गया, $1 वॉज इक्विवेलेंट टू 70 rupees, अज्यूम कर लेते हैं। तो इंडिया में मुझे कितना पैसा मिला? 1 crore dollar इंटू 70 विच गिव्स मी 70 crore rupees मिला मुझे, हाँ जी, मुझे कितना मिला? 70 crore rupees। अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने ईसीबी लिया था, ईसीबी का मैच्योरिटी पीरियड था, ठीक है, क्या बोला? ईसीबी का क्या था बेटा? मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड था 5 years। हाँ जी, मैच्योरिटी पीरियड कितना था? 5 years। तो अब आफ्टर 5 years आप लोग मेरे को बताना क्या डॉलर का रेट सेम होगा या चेंज हो जाएगा? क्या डॉलर का रेट सेम होगा या चेंज, क्या ना ऐसे चेंज हो सकता है? से फॉर एग्जाम्पल जब रिपेमेंट का बात आया, ठीक है, क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, समझना बात ध्यान से, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन $1 = 80 rupees, $1 = 80 rupees। तो मैं अभी इसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एक बार ध्यान देना, मैं अभी इसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन $1 वॉज हाउ मच? $1 was 80 rupees, ठीक है। तो अब 1 crore मुझे रिपे करना ही है, ठीक है, 1 crore dollars मुझे एनी और रिपे करना है, लेकिन अब मेरे जेब से पैसा कितना जाने वाला है? 80 crores। यानी मैंने जब लोन लिया था तो मेरे जेब में आया 70 crore और जब मैं रिपे कर रहा हूं मेरे जेब से जा रहा कितना है? 80 crore rupees। यानी बैठे बैठे मुझे 10 crore का लॉस हो चुका है, बैठे बैठे मुझे क्या हो चुका है? 10 crore का लॉस हो चुका है। और ये लॉस को बुलाया जाता है करेंसी रिस्क। ये लॉस को क्या बुलाया जाएगा बेटा? करेंसी रिस्क बुलाया जाएगा। और ऐसे करेंसी रिस्क को गवर्नमेंट बोलता है कि आपको हेजिंग करना होता है। क्या होता है? हेजिंग। अब ये हेजिंग मतलब क्या होता है? हेजिंग मतलब टू प्रिवेंट लॉस। हेजिंग मतलब क्या होता है? टू
प्रिवेंट लॉस। देखो अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं स्पेक्युलेशन करता हूं, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं स्पेक्युलेशन करूंगा, लेकिन अगर मुझे लॉस को बचाना है तो मैं हेजिंग करूंगा। ठीक है, अब हेजिंग दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल हेज और एक होता है आर्टिफिशियल हेज। हाँ जी, क्या बोला, एक होता है नेचुरल हेज और एक होता है आर्टिफिशियल हेज। आर्टिफिशियल हेज कैसे किया जाता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी मैं आज के दिन जिस दिन मैंने लोन लिया ईसीबी के फॉर्म में, मैं मार्केट में चले जाऊंगा, मार्केट में जाके बोलूंगा कि मुझे अगले पांच साल में, अगले पांच साल के बाद मुझे डॉलर्स ये रेट में चाहिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन बुक कर दिया। क्या क्या, फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑप्शन, ये डेरिवेटिव्स मार्केट में होता है। और एक होता है नेचुरल हेज, नेचुरल हेज कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट्स वगैरह के थ्रू, जैसे आई एम अ कंसिस्टेंट एक्सपोर्टर, मैं कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट वगैरह करते रहता हूँ, और मुझे तो करंट रेट में डॉलर्स मिल रही है, तो वहां पर मेरा रिस्क तो एक्सपोर्ट से क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, सो कैन आई से जब भी डॉलर डिनोमिनेट ईसीबी लिया जा रहा है, रिस्क किसका है मालूम है, रिस्क इज ऑफ इंडियन बोरोवर, रिस्क इज ऑफ इंडियन बोरोवर, यानी इंडियन बोरोवर को हेजिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, ये क्या बताया मैंने, ये मैंने अभी कैलकुलेशन आपको बताया करेंसी रिस्क का और उसको हेज कैसे करना है। ठीक है, अब एक होता है रुपी डिनोमिनेटेड, क्या होता है रुपी, तो अभी जब जगह बचा नहीं तो रुपी डिनोमिनेटेड में नीचे लिखता हुआ। ठीक है, अब किसका बात हो रहा है, रुपी डिनोमिनेटेड, रुपी डिनोमिनेटेड एसीबी, यानी पैसा आएगा भी रुपी में जाएगा भी रुपी में, पैसा आएगा भी रुपीज में जाएगा भी रुपीज में। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे पैसों की जरूरत, कितने पैसों की जरूरत थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए था 70 करोड़ रुपीस, तो मैंने क्या किया, फॉरेन से लोन लिया। ठीक है, मैं इंडियन पार्टी हूं, मैंने क्या किया, फॉरेन से ईसीबी लिया। ठीक है, कितना लिया मैंने, 70 करोड़ रुपए लिया, 70 करोड़ रुपीज लिया, और जब लोन लिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम $1 इज इक्वल टू 70, यानी फॉरेनर्स की जेब से कितना निकला होगा, $1 करोड़, और मेरे पास कितना आया होगा, 70 करोड़ रुपीज। करेक्ट, अब रिपेमेंट के टाइम सपोज $1.80 का हो गया, $1.80 का, लेकिन मैं तो 70 करोड़ ही रिपे करने वाला हूं, मैं तो 70 करोड़ रुपीज ही रिपे करने वाला हूं। अब सामने वाले को कितना मिलेगा, सामने को कितना मिलेगा, सामने को मिलेगा 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ रुपीज डिवाइड बाय 80 पर डॉलर, तो कितना आ जाएगा, समथिंग अराउंड 87,50,000, 87 लाख कितना आ जाएगा, 57,000 आ जाएगा। तो यहां पर उसका बैठे बैठे 12,500 डॉलर का नुकसान हो। ठीक है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, यहां पर रुपी डिनोमिनेटेड में। ठीक है, देखा ना, रुपी ने पूरा उल्टा हो रहा है, रुपी डिनोमिनेट में मैंने रुपीज में लिया तो कुछ भी हो जाने दो, डॉलर का रेट कितना भी हो जाने दो, मैं क्या करूंगा, मैं रुपीज में ही रिपे करूंगा, तो रिस्क ऑटोमेटिकली किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, फॉरेन लेंडर्स पर। तो रुपी डिनोमिनेट में बेटा, रुपी डिनोमिनेट में रिस्क किसका हो जाता है, रिस्क इज ऑफ फॉरेन लेंडर। अच्छा, अगर फॉरेन लेंडर का रिस्क है तो अपने को थोड़ी हेज करना है, अगर इंडियन पार्टी का रिस्क होता तो अपने को हेज करना पड़ता, वो नेचुरल हेज और आर्टिफिशियल हेज, बट यहां पर रिस्क किसका है, यहां पर तो रिस्क इंडियन पार्टी का है ही नहीं, रिस्क किसका है, फॉरेन पार्टी, फॉरेन पार्टी वहां पर अपने कंट्री में हेज करेगा, उससे अपने को लेना देना नहीं। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आया रहेगा कि सर ऐसे तो फिर सब लोग रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के पास ही जाएंगे, ऐसे तो सब लोग रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के पास जाएंगे, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर सामने वाला का रिस्क है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करेगा, तो फिर मतलब ही क्या हुआ, फॉरेन में जाके, आप फॉरेन में जा रहे थे और बोल रहे थे इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन वो तो आपको उतना ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और प्लस मैंने जो आपको ईसीबी रेस करने के रीजन बताया, उसमें से दो रीजन ये थे कि मुझे पैसा डॉलर में चाहिए फॉरेन में खर्चा करने के, समझा मैंने क्या बोला। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि लोग रुपी के ईसीबी की, पहली बात तो फॉरेन लेंडर्स रुपी ईसीबी देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, सब लोग डॉलर में इंटरेस्ट होंगे, बिकॉज कौन सा लेंडर अपना रिस्क लेना चाहेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये देखो क्या लिखा है, एक फॉरेन करेंसी होता है, एक रुपी डिनोमिनेट होता है, दोनों मैंने लिख दिया पूरा एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया सारा का सारा लिख के दे दिया इधर पे। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स और कौन से करेंसी में रिस्क कर रहे हो। जैसे यहां पर डॉलर में आएगा, डॉलर में इनकम होगा और रिपेमेंट कैसे होगा, डॉलर में होगा, यहां पर रुपीज में आएगा और रिपेमेंट कैसे होगा, रुपीज में होगा। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, यानी ईसीबी कैसे लिया जाता है, बैंक लोन, हाँ जी,
फॉरेन बैंक से लोन ले लिया वो भी क्या हो जाएगा, ईसीबी हो जाएगा, या फिर बॉन्ड्स फॉरेन पार्टीज को मैं क्या कर रहा हूँ, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहा हूँ और उनसे पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो और बॉन्ड का रेट क्या है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। फिक्स्ड रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा थ्रू आउट द टेन्योर, और फ्लोटिंग रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर डिबेंचर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी क्या है, फिक्स्ड फ्लोटिंग दोनों। अब एक होता है ट्रेड क्रेडिट, क्या होता है बेटा ट्रेड क्रेडिट। अब समझो बात को, ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल, सी फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन हूं, ठीक है, मैं इंडियन पार्टी हूं, मैं गांजा लिमिटेड हूं, मैंने क्या किया है फॉरेन से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है। क्या किया, इंपोर्ट। अच्छा इंपोर्ट किया है, सपोज गुड्स इंपोर्ट किया 100 करोड़ रुपीस का, कितने का इंपोर्ट किया है 100 करोड़ रुपीस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं फॉरेन को बोलता हूं क्यों ना हम इस इंपोर्ट को ईसी में ईसीबी में कन्वर्ट कर दे, क्यों ना हम इंपोर्ट को किस में कन्वर्ट कर दे, ईसीबी को। यानी ट्रेड क्रेडिट को यहां पर किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ईसीबी, लेकिन ट्रेड क्रेडिट ईसीबी कब माना जाएगा, जब वो कम से कम 3 इयर्स है। ट्रेड क्रेडिट ईसीबी कब माना जाएगा बेटा, जब वो कम से कम क्या है, कम से कम 3 इयर्स का होना चाहिए। यानी यहां पर जो उधार लिया है हमने, ठीक है, यहां पर जो हमने उधार लिया है, ऑब्वियसली फॉरेन से उधार लिया है ना इंपोर्ट करने के लिए, तो उधार कम से कम 3 साल का होना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स इज अ फॉर्म ऑफ ईसीबी। क्योंकि ईसीबी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये बात दिमाग बिठा लेना, ईसीबी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब जनरली 3 इयर्स के लिए होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है। आई रिपीट, ईसीबी जनरली कितने इयर्स के लिए होता है, 3 इयर्स के लिए, बट कुछ इसके एक्सेप्शन। फिर एक होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। अभी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स क्या है, ध्यान देना, ठीक है, ये समझ गया ना तो बाकी आराम से समझ जाएगा सब कुछ। डोंट वरी, सब नोट्स में इंक्लूडेड मेरे, मैं यहां पर क्यों बना रहा हूं, बिकॉज अगर मैं साथ में बना रहा हूं और आप साथ में पढ़ रहे हो तो इंपैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है, ठीक है। क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बेटे, क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब ये है क्या, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक कंपनी है गांजा लिमिटेड, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने फॉरेन पार्टी से लोन लिया है। क्या लिया है, लोन, यानी पैसे लिए है बेसिकली, ठीक है, क्या लिया है, पैसे लिए है। हमेशा याद रखना फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इज ऑलवेज डॉलर डिनोमिनेटेड, यानी पैसा आएगा भी डॉलर में और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, आई रिपीट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी डन इन फॉरेन करेंसी, यानी डॉलर फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब डॉलर आया तो गांजा लिमिटेड ने उसके बदले क्या इशू किया इन लोग को, उसके बदले इशू किया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। चलो मान लेते हैं कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 5 इयर्स है, ठीक है। गांजा लिमिटेड को बुलाया जाएगा इश्यूअर कंपनी, क्यों इश्यूअर कंपनी, बिकॉज वो लोग FCCB बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, और फॉरेन पार्टीज को बुलाया जाएगा लेंडर्स या तो बॉन्ड होल्डर्स, या तो बॉन्ड होल्डर्स बुलाएंगे या तो लेंडर्स बुलाएंगे, और इनको इश्यूअर कंपनी या तो बोरोअर बुलाएंगे, करेक्ट। अब आफ्टर 5 इयर्स बेटा, क्या बोला, आफ्टर 5 इयर्स बॉन्ड होल्डर्स हैव टू ऑप्शंस, हाँ जी, 5 साल के बाद बॉन्ड होल्डर्स के पास 2 ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन, या तो अपने लोन का रिपेमेंट ले ले, या तो अपने लोन का रिपेमेंट ले ले, अच्छा कैसे लेंगे, फॉरेन करेंसी में, या तो वो मेरे कंपनी का शेयर ले ले, शेयर्स इंस्टेड ऑफ लोन, इसको बोला जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो आपने इशू किया था, जो बॉन्ड होल्डर को ऑप्शन दे देता है कि वो 5 साल बाद या जो भी टाइम पीरियड रहेगा उसके बाद मेरे कंपनी का या तो शेयर ले ले या तो अपना पैसा वापस ले, इसको बुलाया जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सिंपल ना, एक होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड,
सेम एग्जांपल सेम ही रख रहा हूँ लेकिन कंपनी का नाम चेंज कर दो, चलो ठीक है, एक रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सबको पता है एक कंपनी है, क्या नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब उसकी एक सब्सिडरी है रिलायंस जियो, सब्सिडरी का नाम क्या है, रिलायंस, सिर्फ नाम याद रखना बस, अभी तक कुछ बोला नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सब्सिडरी का नाम क्या है, रिलायंस जियो, ठीक है, सब्सिडरी का नाम क्या है, रिलायंस जियो। अब फॉरेन पार्टनर, फॉरेन पार्टी ने पैसा दिया डॉलर में, हमेशा याद रखना एफसीईबी भी डॉलर डिनोमिनेट होगा, यानी पैसा भी डॉलर में आएगा और पैसा जाएगा भी डॉलर में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कैसे जाएगा, डॉलर में ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या दे देगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स देगा, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इसका भी मैच्योरिटी पीरियड हम लोग 5 ईयर्स लगेगा, ठीक है। करेक्ट ना, फाइव इयर्स के बाद बॉन्ड होल्डर्स हैव टू ऑप्शंस, बॉन्ड होल्डर्स के पास कितना ऑप्शन, दो ऑप्शन। अच्छा, ये तो मैंने बताना भूल ही गया कि ये लोग बॉन्ड होल्डर्स हैं, या तो क्रेडिटर है या लेंडर है, बॉन्ड होल्डर्स या तो लेंडर है, ठीक है। इसको बुलाया जाएगा इश्यूइंग कंपनी, क्या बुलाएगा, इश्यूइंग कंपनी, और रिलायंस जियो को बुलाया जाएगा ऑफर्ड कंपनी, क्या बुलाएगा, ऑफर्ड कंपनी, ठीक है। अब 5 साल बाद बॉन्डर के पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन टेक द रीपेमेंट ऑफ लोन, टू टेक द रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी जो भी लोन वगैरह दिया था वो लोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को, उसके बदले क्या ले लेंगे, अपना रीपेमेंट ले लेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन इज टू टेक the shares of Reliance Jio in place of loan, यानी लोन के रिपेमेंट की जगह वो लोग शेयर किसका लेने वाले, रिलायंस जियो का शेयर लेने वाले। अरे नहीं समझ रहा तुम लोग, लोन किसका लेने वाले, रिलायंस जियो का लोन लेने वाले हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लोन नहीं लेने वाले, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर लेने वाले, शेयर किसका लेंगे, रिलायंस जियो का। क्यों, बिकॉज RIL का कुछ होल्डिंग रिलायंस जियो में है जो उनको कम करना था, और लोग कम कैसे कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड से। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में होता क्या है, लोन लेगा एक कंपनी लेकिन शेयर वो कंपनी का नहीं, किसी और कंपनी का मिलेगा, और कौन से कंपनी का शेयर मिलने वाला, ये फॉरेन पार्टी को एडवांस में बता दिया जाता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट FCCB और फाइनेंशियल लीज यानी लोन वगैरह ले रहे हो, सेम, ठीक है। इंडियन करेंसी भी सेम है, बस एक आ जाता है प्लेन वैनिला बॉन्ड्स। ये प्लेन वैनिला बॉन्ड्स क्या होता है, ये होता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, यानी फॉरेन कंट्री में आप रुपी, फॉरेन कंट्री से रुपीज में पैसा उठा रहे हो, उसको प्लेन वैनिला बॉन्ड बोला जाता है, जिसमें कुछ मिक्सचर वगैरह नहीं होता, एकदम प्लेन सिंपल होता है। अब ये तो फॉर्म्स ऑफ, ये तो था फॉर्म्स ऑफ ECB, यानी ECB किस तरीके से लिया जा सकता है। अब एक है एलिजिबल बोरोवर्स, ठीक है, यानी कौन कौन बोरोइंग्स कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट प्लीज आप लोग भी करेक्ट कर लेना, जब भी आप लोग लिखोगे ये नोट्स में, All entities eligible to receive FDI, यानी जो जो लोग FDI रिसीव कर सकते हैं वो सारे लोग ECB भी रिसीव कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट पोर्ट ट्रस्ट, जैसे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, वैसे अलग अलग पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, या फिर SEZ के यूनिट्स, या फिर सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग भी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर का ECB एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, डॉलर का ECB एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी ECB, यानी जितना लोग फॉरेन, यानी जितना लोग फॉरेन करेंसी ECB रेज कर सकता है, उतना ही वो लोग सेम टू सेम लोग इंडियन करेंसी में भी ECB ले सकता है। इन एडिशन टू दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NPO, NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स, ये लोग भी ECB ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखना, यहाँ पर ट्रेड का पूरा मतलब बता दिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कि एकदम क्लियर कट लिखा है बच्ची ने। फिर FCCB, FCEB का भी मतलब बताया, देखो ये FCCB है, FCEB है, ठीक है। अब यहाँ पर
रिकॉग्नाइज लेंडर्स कौन होते हैं? क्या बोला? रिकॉग्नाइज लेंडर, देखो समझो बात को, इसी भी कहां से लिया जा रहा है? आउटसाइड इंडिया से। तो आउटसाइड इंडिया से हम लोग किसी से भी पैसा ले लेंगे क्या? हाँ, आउटसाइड इंडिया से किसी से पैसा लेंगे? नहीं। अगर आउटसाइड इंडिया से हमको पैसा लेना है, सो दैट पर्सन हु इज इन आउटसाइड इंडिया वो रिकॉग्नाइज लेंडर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज लेंडर। अच्छा, रिकॉग्नाइज लेंडर मतलब कौन? ऐसा बंदा जो ऐसे कंट्री का मेंबर है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या आईओएसयू के मेंबर है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से लड़ता है। जैसे आरबीआई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या फिर आईओएसयू, क्या बोला गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन सिक्योरिटीज कमीशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन सिक्योरिटीज कमीशन, ठीक है, आईओएसयू। जैसे इंडिया का सभी आईओएसयू का मेंबर है, तो जो भी कंट्री से जो भी बंदा पैसा दे, फॉर एग्जांपल कोई यूएसए से मेंबर का पैसा दे रहा है, तो यूएसए का जो बंदा है उसकी कंट्री का जो बड़ा बड़ा अथॉरिटी, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक, जो तो वहां का यूएसए का भी सेंट्रल बैंक होगा, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर होना चाहिए। या फिर यूएसए का जो भी, सपोज वहां पर सेबी नहीं चलता, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी चलता है, तो वो भी क्या होना चाहिए? आईओएसयू का मेंबर होना चाहिए। तो जो भी कंट्री से आप पैसा लेंगे वो कंट्री फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और आईओएसयू की मेंबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी टीसी भी लिया जा सकता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लोग भी क्या करते हैं? ये लोग भी ईसीबी देते हैं। फिर एक होता है फॉरेन इक्विटी होल्डर। क्या होता है फॉरेन इक्विटी होल्डर? ये बात समझना क्या है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल गांजा लिमिटेड, और फॉरेन में एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट कंपनी। कंपनी का नाम क्या बेटा? एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट कंपनी। आई रिपीट, कंपनी का नाम क्या है? एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वो लोग ने गांजा लिमिटेड में ऑलरेडी एफडीआई कर रखा है, यानी एफडीआई कर रखा है मतलब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। इक्विटी शेयर्स में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो एक्स वाई जेड लिमिटेड को या इन्वेस्टमेंट कंपनी को मैं बुलाऊंगा फॉरेन इक्विटी होल्डर। हाँ जी, सही बोल रहा हूं, इनको मैं क्या बुलाऊंगा? फॉरेन इक्विटी होल्डर बुलाऊंगा। अब जो मेरे को इक्विटी शेयर दे सकता है, जो मेरे को इक्विटी शेयर दे सकता है, क्या वो मेरे को ईसीबी भी दे सकता है? द आंसर इज यस, ईसीबी भी दिया जा सकता है। तो ईसीबी फॉरेन इक्विटी होल्डर भी रेज कर सकते हो। अब फॉरेन इक्विटी होल्डर या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है या तो फॉरेन पेरेंट कंपनी भी हो सकता है। फिर यहां पर फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड, जैसे सपोज इंडिया का बैंक है एसबीआई बैंक, अब इसका ब्रांच है यूएसए में, यूएसए में एक एसबीआई का ब्रांच है, तो यूएसए में जो एसबीआई का ब्रांच है वो मुझे ईसीबी दे सकता है, लेकिन फॉरेन करेंसियां, कौन सा करेंसी? फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी ईसीबी मुझे इंडियन बैंक का फॉरेन ब्रांच नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर मुझे फॉरेन करेंसी में, मुझे इंडियन करेंसी में ईसीबी चाहिए था तो मैं एसबीआई के फॉरेन ब्रांच में क्यों जाऊंगा? एसबीआई के इंडियन ब्रांच से ना ले लूं? पहली। सेकंड, जब भी कंपनी एफसीसीबी और एफसीईबी इशू करेगा, फॉर एग्जांपल अगर गांजा लिमिटेड एफसीईबी या एफसीसीबी इशू कर रहा है, तो एफसीसीबी एफसीईबी को इंडियन बैंक का फॉरेन ब्रांच खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एंड नॉट फॉर एफसीसीबी एफसीईबी एंड रुपए डिनोमिनेटेड ईसीबी। अरे रुपीज में चाहिए तो मैं इधर से ले लूंगा ना यार, समझ रहे हो तुम लोगों को लॉजिक। तो रिकॉग्नाइज लेंडर कौन कौन है, देखो क्या लिखा है, रेसिडेंट जो कहां का है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आईओएसयू का मेंबर है, या फिर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स एंड फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक। ठीक है, लेकिन फॉरेन करेंसी ईसीबी के लिए उसमें भी एफसीसीबी एफसीबी काउंट नहीं होगा। क्लियर? अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, क्या लिखा है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, प्यार से इसको मैम्प बोला जाता है।
प्यार से इसको क्या बोला जाता है बेटा, मैम बोला जाता है। इसका नाम क्या है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। यानी आप इसी भी लोगे, आप इसी भी लोगे तो इसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या होना चाहिए। अब इसके पीछे भयंकर ज्ञान है, ये मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। देखो यहां पर मैच्योरिटी पीरियड नहीं बोला, इसे बोला है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। अब वो ये ज्ञान क्या है, वो आपको यहां पर एग्जीक्यूटिव लेवल पर पूछा जाने वाला नहीं है। एंड सिंस इट इज अ रिवीजन वीडियो, मैं कवर भी नहीं कर रहा हूं, बट कल कोई अगर हम प्रोफेशनल मिले तो डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। बट यहां पर अभी आप लोग मैच्योरिटी पीरियड समझ के चलना। तो ईसीबी, मैंने आपको बोला था ईसीबी यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए रेस किया जाता है ना। ईसीबी यूजुअली क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए रेस किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कितना, 3 इयर्स। नॉर्मली ईसीबी का टाइम कितना होता है, 3 इयर्स होता है। बट अभी मैं कुछ केसेस बताऊंगा जहां पर ईसीबी का टाइम चेंज हो गया, ठीक है। नॉर्मली कितना साल होता है, 3 इयर्स। लेकिन नीचे दिए गए जो केसेस है उसमें कितना टाइम होगा, जितना टाइम लिखा होगा, जैसे 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही 1, 5, 10, 7, 10, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे 5 केसेस है ना, उसके लिए हम लोग ये फॉलो करेंगे, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी ईसीबी है सबका टाइम मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम जितना चाहे उतना रख सकते। अब ईसीबी लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों अलाउ किया गया है, बिकॉज आपको क्या है, आप तो हर 2 दिन में ईसीबी लेते रहोगे, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसका हिलेगा, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हिलेगा अपना गवर्नमेंट का, आरबीआई का। आरबीआई बोलता है ऐसा नाटक करने का, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली ईसीबी का पीरियड कितना होता है, 3 इयर्स। लेकिन कभी कभी 3 इयर्स नहीं, कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। कौन सा है देखना, नॉर्मल 3 इयर्स है, मतलब नीचे दिए गए 5 केसेस को छोड़ के नॉर्मली 3 इयर्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना चाहे उतना। लेकिन जो नीचे 5 केसेस का बात करने जा रहा हूं वहां पर मिनिमम जितना दिया गया उतना होना चाहिए। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईसीबी रेस कर रही है और उस ईसीबी का अमाउंट इज अप टू $50 मिलियन, उस ईसीबी का अमाउंट कितना है, $50 मिलियन है, तो उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, 1 ईयर, ठीक है। क्या बोला है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अप टू $50 मिलियन तक बोरो कर रही है तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल। अब सेकंड लिखा है ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, किससे रेज किया गया है, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, किस लिए, फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, जनरल कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के खर्चे के लिए, और रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन मतलब इंडियन कंपनी ने, आई रिपीट, इंडियन कंपनी ने इंडिया से पैसे बोरो किए थे। अब इंडिया से जो पैसे लोन लिए हैं उसको चुकाने के लिए वो लोग फॉरेन से लोन ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन। तो अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा टाइम बेटा, 5 ईयर्स हो जाएगा कम से कम। फिर आपने ईसीबी रेज किया है, अब ईसीबी किससे रेज किया है, अदर देन फॉरेन इक्विटी होल्डर, यानी फॉरेन इक्विटी होल्डर नहीं, फॉरेन किसी भी लेंडर से ले रहे हो, लेकिन उसमें फॉरेन इक्विटी होल्डर नहीं आना चाहिए। किस लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या फिर ऑन लेंडिंग। ऑन लेंडिंग क्या होता है, से फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, एनबीएफसी ने फॉरेन से लोन लिया इंडिया में लोन देने के लिए, एनबीएफसी ने फॉरेन से लोन लिया इंडिया में लोन देने के लिए, इसको ऑन लेंडिंग बोला जाता है। आई रिपीट, इसको क्या बोला जाता है, ऑन लेंडिंग बोला जाता है। तो अगर एनबीएफसी, ठीक है, अगर एनबीएफसी भी ऑन लेंडिंग कर रहा है किसके लिए, यानी एनबीएफसी ने फॉरेन से लोन लिया और इंडिया में लोन किसके लिए दे रहा है, वर्किंग कैपिटल के लिए या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 इयर्स। कितना हो जाएगा, 10 इयर्स। समझ रहे हैं तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आ जाओ इधर पे, सबसे पहले क्या बोला गया है, अगर हम लोग ईसीबी रेस कर रहे हैं, ईसीबी कौन रेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और अमाउंट कितना है ईसीबी का, अप टू $50 मिलियन, तो टाइम कितना होगा, टेन्योर कितना होगा, मिनिमम 1 ईयर, करेक्ट। सेकेंड बोला गया ईसीबी रेस किया है, किससे रेस किया है, रेस किया गया है फॉरेन इक्विटी होल्डर से, फॉरेन इक्विटी होल्डर से, और पर्पस क्या है, या तो वर्किंग कैपिटल, या तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जीसी मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, या तो रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, RRL, क्या बोला, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। तो इनका मिनिमम टाइम कितना होगा, मिनिमम टाइम 5 इयर्स होगा। फिर थर्ड बोला गया है, आप इसी भी ले रहे हो, इसी भी किससे ले रहे हो, फॉरेन लेंडर से, जो कि फॉरेन इक्विटी होल्डर नहीं है, क्योंकि फॉरेन इक्विटी होल्डर का तो यहां बोल दिया गया ना, फॉरेन लेंडर से किसके लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, या एनबीएफसी लिया है ऑन लेंडिंग के लिए, और ऑन लेंडिंग का पर्पस भी क्या है, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस। तो
इनका टाइम कितना हो जाएगा, मिनिमम 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर्स, कितना रहेगा, मिनिमम 10 ईयर्स, सिंपल है, सिंपल है। अच्छा अब फोर्थ पॉइंट बोला गया है ईसीबी रेस पॉइंट, ईसीबी रेस किया है आपने, रेस किया किसके लिए, रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इंडियन कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने लोन लिया है, लोन लिया है इंडिया से, इंडिया से किस पर्पस के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े कैपिटल असेट्स खरीदने के लिए, और उस लोन को रिपे करना है, उस लोन को क्या करना है, रिपे करना है। तो उस लोन को, यानी सपोज एग्जांपल गांजा लिमिटेड है, उसने क्या किया है, उसने इंडिया, सपोज इंडिया में एसबीआई बैंक से लोन लिया था, कितने का लिया था लोन, 100 करोड़ का रुपीज में, 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज में, किसके लिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, आई रिपीट, किसके लिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये लोन को रिपे करने के लिए हम फॉरेन से लोन ले रहे हैं, ये लोन को रिपे करने के लिए हम फॉरेन से ईसीबी ले रहे हैं, या फिर ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, यानी एनबीएफसी ने लोन लिया है फॉरेन से, और लोन किसके लिए दे रहा है, लोन सामने वाले को दे रहा है, रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स, सिंपल। अब नेक्स्ट इज ईसीबी रेस फॉर रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर द पर्पस अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर एनबीएफसी ऑनलाइन कर रहा है सेम पर्पस के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। समझ रहे हो कितना ब्यूटीफुली लिखा गया है, ठीक है। अच्छा तो अभी देखो, तीन तक मैंने लिखा है ना, अभी फोर्थ लिखा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ क्या किया है, ईसीबी रेस किया है, किससे किया है ईसीबी रेस, फॉरेन लेंडर, ऑब्वियसली फॉरेन लेंडर, एक ही जगह फॉरेन इक्विटी होल्डर, सिर्फ सेकंड पॉइंट में आ रहा है, बाकी सब जगह फॉरेन लेंडर आएगा, ठीक है। फॉरेन लेंडर किस लिए किया है बेटा, RRL, रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन, और रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन किस लिए लिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और या तो एनबीएफसी ने ऑनलाइन के लिए लिया, और एनबीएफसी लोन किसके लिए देगा, रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन फॉर व्हाट, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनका टाइम पीरियड कितना होगा, 7 ईयर्स, करेक्ट है, करेक्ट है। तो मैंने बोला था ना 1, 5, 10, 7, अभी और एक 10 आएगा, फिफ्थ वाला पॉइंट, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ईसीबी लिया है, किससे लिया है बेटा, फॉरेन लेंडर से, किस लिए, रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन, या फिर एनबीएफसी क्या करेगा, सेम रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए लोन देगा, ऑन लेंडिंग, ऑन लेंडिंग मतलब लोन लेके लोन दे रहे, ठीक है। अच्छा लेकिन अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बोला, अदर देन कैपिटल, तो इनका टाइम कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड पूछा जा सकता है। मैं आपको चलते वीडियो में पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट पढ़ने का 15 सेकंड दूंगा, दैट मीन्स आई विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 15 सेकंड्स, प्लीज पढ़ना, मैं 15 सेकंड में स्क्रोल करते जाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू $50 million, 1 ईयर का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। फिर सेकंड बोला है, हमने लिया किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तीन पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, या रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन, तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। थर्ड बोला गया है कि हमने ईसीबी लिया है किस लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यहां पर रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन नहीं है, वर्किंग कैपिटल या तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और या तो ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, यानी जनरल कॉर्पोरेट और वर्किंग कैपिटल, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। फिर आ जाता है रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, 7 ईयर्स, और रिपेमेंट ऑफ लोन अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10 ईयर्स, सिंपल ना। यहां फिर लिखा है ऑल इन कॉस्ट पर, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम, यानी एसीबी रेस कर रहे हैं, खर्चा कितना होना चाहिए, सो बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स, 450 बेसिस पॉइंट्स विच इज इक्विवेलेंट टू 4.5%। इंटरनेशनली वो लोग 1%, 2%, 3% नहीं बोलते, 100 बेसिस पॉइंट्स कितना होता है, 1% होता है, ठीक है। इंटरनेशनली वो लोग परसेंटेज फॉर्म में नहीं, बेसिस पॉइंट में बात करते हैं, और बेंचमार्क रेट क्या है, लिबोर, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, यानी लिबोर का जितना रेट होगा प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा अगर आपको रिपेमेंट करना है, प्रीपेमेंट, यानी जब भी आप लोग जल्दी रिपेमेंट करते हो लोन का, तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो फॉरेनर आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मैक्सिमम 2% ओवर एंड अबव कॉन्ट्रैक्टेड रेट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुआ है उससे 2% ऊपर चार्ज कर सकता, क्लियर है, सिंपल। अब आता है नेगेटिव लिस्ट, क्या था नेगेटिव, नेगेटिव लिस्ट मतलब ईसीबी ये सारे पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, आई रिपीट, नेगेटिव लिस्ट मतलब ईसीबी ये सारे पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। पहला, ईसीबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट के लिए यूज नहीं हो सकता।
यानी फॉरेन से पैसा लिया उसको रियल एस्टेट में डालना चाहता हूं, नहीं चलेगा। या फिर फॉरेन से पैसा लिया उसको कैपिटल मार्केट में डालना चाहता हूं इंडिया में, नहीं चलेगा। या फिर फॉरेन से पैसा लिया उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट डालना चाहता हूं, नहीं चलेगा। लोन लेके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का फॉरेन से, ठीक है। तो पहला तीन बोला, क्या बोला है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है यहां पर, वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, क्या बोला, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, ठीक है। और ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी, क्या लिखा है, ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसी। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऊपर सिखाया था कि वर्किंग कैपिटल के लिए, ये देखो मैंने आपको लिखाया अभी ना, वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट एनबीएफसी ऑन लैंडिंग के लिए या रिपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए इसी भी लिया जा सकता है। हाँ लिया जा सकता है, जो ये कैटेगरी में आता है, जो ये कैटेगरी में आता है, जो ये कैटेगरी में नहीं आता वो लोग नहीं ले सकते। जैसे जब मैं बात करता हूँ वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल के दिमाग में क्या आता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोग वर्किंग कैपिटल यहां पर ले रहे हो जो कितने साल के लिए, 5 years के लिए, 10 years के लिए, 7 years के लिए, 10 years के लिए, तो चलेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म अगर इसके हिसाब से लिया, लॉन्ग टर्म यहां के हिसाब से लिया, एक सेकेंड ना, लॉन्ग टर्म अगर यहां के हिसाब से लिया, अरे यार, लॉन्ग टर्म अगर यहां के हिसाब से लिया तो चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम लोग, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, अदर देन दोस परमिटेड, अदर देन दोस परमिटेड, अदर देन, अदर देन दोस परमिटेड, यानी ऊपर जो अलाउड है उसके अलावा नहीं कर सकते, उसके अलावा नहीं कर सकते, क्लियर है। अब नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। हाँ जी, जब आप ईसीबी रेस करोगे तो आपके इधर घर में यानी इंडिया में तो रुपीज आएगा, तो डॉलर रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा, करंट मार्केट रेट के हिसाब से, बराबर बोल रहा हूं ना, कैसे कन्वर्ट होगा, करंट मार्केट रेट के हिसाब से कन्वर्ट होगा। फिर मैंने आपको बताया था हेजिंग, हेजिंग क्यों करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करेंसी रिस्क, है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, करेंसी रिस्क। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हेजिंग करना पड़ता है, और हेजिंग करने के लिए आपको सेक्टोरल रेगुलेटर का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। अब सेक्टोरल रेगुलेटर कौन है, कौन रेगुलेट करता है, फेमा प्लस आरबीआई। ईसीबी को रेगुलेट कौन करता है बेटा, फेमा प्लस आरबीआई, ठीक है। तो अब ईसीबी हूज मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 5 years, यानी जो 5 साल से कम के लिए ईसीबी है, वो लोग अपना 70% ईसीबी एक्सपोजर को हेज करेंगे और बाकी लोग पूरा 100% करेंगे, ठीक है। अब हेजिंग कैसे किया जाएगा, तो देखो कवरेज, हेजिंग में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कवर किया जाएगा, हेजिंग में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बेटा दोनों कवर किया जाएगा। और हेजिंग कब से चालू हो जाएगा, जिस दिन से लायबिलिटी क्रिएट किया, दैट मींस फ्रॉम द डेट व्हेन ईसीबी वॉज रेज्ड, क्या बोला है, फ्रॉम द डेट When ECB was raised, वो दिन से क्या हो जाएगा, आपका लाइबिलिटी चालू हो जाएगा, वो दिन से आपको हेजिंग करना है। फिर टेनर कितना होना चाहिए, कम से कम 1 साल तक का हेजिंग का टेनर होना चाहिए, कम से कम 1 साल। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल normally ECB का मैच्योरिटी कितना रहता है, 3 years, और एक्सेप्शनल केसेस मैंने बताया ना, 1 year, 5 years, 7 years, 10 years, 7 years, 10 years, ठीक है। तो वैसा, तो आप सपोज मैंने 3 years के लिए ECB रेज की, अब ये लोग कितना बोल रहे हैं, मिनिमम 1 साल होना चाहिए, चलो मैंने 1 साल ही रखा, तो और 2 साल का हेज कैसे करोगे, तो उसको रोल ओवर करना पड़ेगा, यानी 1 साल के बाद वापस से और 2 साल के लिए मुझे हेजिंग करना पड़ेगा। और नेचुरल हेज क्या होता है, जो आप एक्सपोर्ट्स वगैरह के थ्रू करते हो, जैसे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, यानी आपको पता है कि इतना पैसा फॉरेन से कैश फ्लो के फॉर्म में आने ही वाला है, तो आप क्यों टेंशन लोगे, समझ रहे हो, ठीक है, हेजिंग इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है लिमिट एंड लेवरेज। हाँ जी बिल्कुल। अब ईसीबी रेज करने के 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। ईसीबी रेज करने के 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक, एक अप्रूवल। अगर आप 750 मिलियन यूएस डॉलर्स तक बोरो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक रूट में आओगे, और अगर आप 750 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा बोरिंग कर रहे हो तो आप अप्रूवल रूट में आओगे। सोचो कितना लिमिट अलाउ कर दिया वो लोग ने बाहर से पैसे लेने के लिए, 750 मिलियन बेटा, समझते है कितना होता है, ठीक है, देखो लिख नहीं पा रहा हूं मैं, कितना होता है, 750 मिलियन यूएस डॉलर, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 75 करोड़ रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 75 करोड़ ही होना चाहिए, जो भी है, ठीक है, 75 या 750 करोड़, नहीं 75 करोड़ होना चाहिए, इनटू 100 बोल रहा हूं, 70 जो एक्सचेंज रेट है, कितना सारा अमाउंट अलाउ किया। लेकिन अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर, देखो मैंने यहां पर आपको लिखाया था, ढूंढने दो मुझे, एक सेकंड देना,
ये देखो फॉरेन इक्विटी होल्डर, मैंने आपको बताया था फॉरेन इक्विटी होल्डर भी ईसीबी दे सकता है, तो फॉरेन इक्विटी होल्डर ईसीबी देगा तो अपने को रेशियो देखना पड़ेगा 7:1 का, रेशियो देखना पड़ेगा 7:1 का। मतलब अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर मेरे कंपनी में 10 शेयर होल्ड करता है, 10 शेयर नहीं चलो 10 रुपए का शेयर होल्ड करता है, तो वो मुझे 70 रुपीज तक का ईसीबी दे सकता है। अगर वो 10 लाख का शेयर होल्ड करता है तो वो मुझे 70 लाख का ईसीबी दे सकता है। अगर वो 10 करोड़ का शेयर होल्ड करता है तो मुझे 70 करोड़ तक का ईसीबी दे सकता है, यानी 1:7 का रेशियो देखना। बट ये 1:7 का रेशियो देखने की जरूरत नहीं है अगर बोरिंग 5 मिलियन US डॉलर तक है, अगर बोरिंग कहा था कि 5 मिलियन US डॉलर तक है, ठीक है। प्लीज इसको स्टार्ट किया मैंने अभी के अभी पढ़ना, दो आपको 20 सेकंड अलाउ करो, अभी के अभी पढ़ना, इसको पढ़ लिया। चलो अब एक होता है गारंटी सिक्योरिटी बाय इंडियन बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, ठीक है। अब अगर एक इंडियन कंपनी या फिर इंडियन बोरोवर अगर ईसीबी ले रहा है फॉरेन पार्टी से, अगर वो ईसीबी बेटा ले रहा है कहां से, फॉरेन पार्टी से ईसीबी ले रहा है, तो उस केस में इंडियन बैंक्स या इंडिया का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी गारंटी नहीं देंगे। गिफ्ट लिखा देखो बच्ची ने, गिव है यार, गिफ्ट, गारंटी नहीं देंगे, ठीक है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा, पार्किंग ऑफ ईसीबी। अभी पार्किंग ऑफ ईसीबी क्या है, जैसे ईसीबी से मैं बहुत सारा अमाउंट लूंगा, अभी इंडियन कंपनी ना, इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज, वो लोग ने बहुत सारा अमाउंट लिया है ईसीबी से, ठीक है। तो जितना भी ईसीबी लिया है, ऐसा जरूरी ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा ईसीबी में एक साथ यूज कर लो, बराबर बोल रहा हूं क्या, ऐसा जरूरी है क्या कि सारा ईसीबी में एक साथ यूज कर लो, द आंसर इज नो। तो यहां पर क्या बोला है, पार्किंग ऑफ ईसीबी, क्या बोला है, पार्किंग ऑफ ईसीबी, यानी जब तक, जब आपने लोन रेज किया, लोन रेज किया और यूज करने के बीच में अगर कुछ गैप है तो आपको ईसीबी के अमाउंट को कहीं पर पार्क करके रख देना है, कहीं पर स्टोर करके रख देना है। तो अगर आपको अब्रॉड पार्क करना है तो कहां कर सकते हो, डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिनका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंड पुअर का AA-, फिच का IBCA और मूडीज का AA3, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उनके रेटिंग्स है। आपको पता रेटिंग्स कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, स्पेस, ठीक है। और अगर ट्रेजरी बिल्स पे करना है तो अगेन ये मत फॉलो करना, ये जो हमने लिखा ना, सबके लिए क्रेडिट रेटिंग यही है कॉमन, और डिपॉजिट विद फॉरेन बैंक ऑफ इंडियन बैंक अब्रॉड, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। हमेशा याद रखना ईसीबी का पैसा आपको सेफ जगह डिपॉजिट करना है, देखो कोई भी जगह रिस्की नहीं बोला है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिनका रेटिंग भी अच्छा है, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट का होगा, फिर फॉरेन ब्रांच में पैसा रखा हुआ है, तो वो सब सेफ होगा। पर अगर इंडिया में आपको पार्क करना है, यानी डोमेस्टिकली, डोमेस्टिकली का स्पेलिंग संभालना, ठीक है, अगर आपको पैसे को इंडिया में पार्क करना है तो आपको ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के पास रख सकते हो, या तो टर्म डिपॉजिट में रख सकते हो जिसका टेन्योर 12 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब ये था पार्किंग ऑफ ईसीबी, फिर होता रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। हाँ जी, जब भी मैं ईसीबी लूंगा मेरे को लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक को एप्लीकेशन दूंगा, वो मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा आरबीआई के डायरेक्टर को, ठीक है, और आरबीआई विल ग्रांट लोन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट लोन रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसको DSIM बोला जाता है, ठीक है। बिना लोन रजिस्ट्रेशन नंबर के मैं ईसीबी नहीं ले सकता। फिर अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर रहा हूं, ईसीबी लेने के बाद मैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन में बोरोवर और लेंडर मिलकर चेंज कर रहे हैं, तो और एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, फॉर्म ईसीबी ब्रैकेट में रिवाइज लिखा, यानी रिवाइज फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फिर मुझे हर महीने फॉर्म ईसीबी 2 में, हर मंथ खत्म होने के 7 डेज के अंदर मुझे एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, फॉर्म ईसीबी 2, वहां पर बताना पड़ेगा कि मंथली कितना पैसा रेज किया, कहां रेज किया, क्या हुआ। और अगर फॉर्म फाइल करने में डिले होता है तो लेट फीस कौन लगाएगा, आरबीआई, कितना लगाएगा वो आरबीआई के ऊपर। फिर अनट्रेसेबल एंटिटी, अनट्रेसेबल एंटिटी मतलब आप 8 क्वार्टर से रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहे, या 2 क्वार्टर से आपके बोरोर्स वगैरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके बोरोर्स वगैरह ने बिजनेस बंद करके चले गए हैं, या फिर बोरोर्स वगैरह ने 2 साल से स्टैट्यूटरी रिटर्न फाइल नहीं की है, ऑडिटर के सर्टिफिकेट फाइल नहीं की है, तो आपको अनट्रेसेबल एंटिटी बुलाया जाएगा। और अनट्रेसेबल एंटिटी के साथ क्या होता है, तो ऑथराइज डीलर उनका
फॉर्म ईसीबी या ईसीबी टू फाइल करेगा। हाँ जी, अनट्रेसेबल एंटिटी यानी ऐसा कंपनी जो अब ट्रेस नहीं हो पा रहा, भाग गया है, 8 क्वार्टर से रिटर्न फाइल नहीं किया है, 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स बात नहीं कर रहे, हम लोग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर 2 साल से स्टैट्यूटरी ऑर्डर का सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया, तो आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो। तो आपके जगह पर क्या होगा, आपके जगह पर फॉर्म ईसीबी या ईसीबी टू फाइल कर रहे कौन, ऑथराइज्ड डीलर, और उस पर लिखा होगा बोल्ड में कि ये एंटिटी अनट्रेसेबल एंटिटी है। नाउ अनट्रेसेबल एंटिटी कैन नॉट रेज फ्रेश ईसीबी, बिल्कुल नहीं रेज कर सकता। फिर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इनवर्ड रेमिटेंस अलाउड नहीं है, ठीक है, ये सब उनका ड्रॉबैक्स हो जाएगा अनट्रेसेबल एंटिटी का। फिर लिखा कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, हाँ जी बिल्कुल, ईसीबी इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे इंडियन पार्टी ने लोन लिया था ईसीबी फॉर्म में, अब लोन चुका नहीं पा रहा तो क्या बोलता है, हमारा शेयर दे लो, क्या ले लो, हमारा शेयर दे लो, और फॉरेन लेंडर्स खुशी खुशी शेयर ले लेगा अगर मिल रहा है तो, समथिंग इज बेटर नथिंग। बट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बोरिंग कंपनी ऑटोमेटिक रूट के अंदर रहना चाहिए, और अगर अप्रूवल रूट में है तो आप पहले अप्रूवल ले लो, सेक्टरल कैप फॉलो करना पड़ेगा और आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें एफडीआई की झलक दिखती है, क्लियर है। अब यहां पर जब भी ईसीबी इंटू इक्विटी कन्वर्ट हो रहा है, अगर पार्शियल कन्वर्जन यानी पूरा ईसीबी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पार्ट ईसीबी इक्विटी में हो रहा है, पार्ट का रीपेमेंट हो रहा है, तो जितना भी कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए फॉर्म एफसी जीपीआर फाइल करना है, और बाकी के लिए फॉर्म ईसीबी टू फाइल करना है जिसमें लिखा होगा कि ईसीबी इज पार्शियली कन्वर्टेड, करेक्ट। अगर फुल्ली कन्वर्ट हो रहा है तो फॉर्म एफसी जीपीआर फाइल करूंगा कन्वर्ट कन्वर्जन के लिए, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूं, एफसी जीपीआर, यह आपने एफडीआई में ऑलरेडी सीखा है मेरे से, ठीक है, क्या बोला, फॉर्म एफसी जीपीआर बोला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और फॉर्म ईसीबी टू भी फाइल करना पड़ेगा जिसमें मैं लिखूंगा कि इक्विटी जो है वो फुल्ली कन्वर्ट हो चुका है। फिर अगर कन्वर्जन फेजेस में हो रहा है तो फॉर्म ईसीबी और फॉर्म एफसी जीपीआर भी फेजेस में फाइल किया जाए टाइम टू टाइम। फिर आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, लेंडर का कंसेंट लेना पड़ेगा इक्विटी में कन्वर्ट करने के पहले, हाँ जी, पता चला मैंने खुद से इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया उसका, ये नहीं चलेगा, लेंडर्स को पूछना पड़ेगा कि हम इक्विटी में कन्वर्ट करें या नहीं करें, और करेंसी रेट जो एक्सचेंज रेट होगा, जो कन्वर्जन रेट होगा, वो मार्केट रेट होगा, क्लियर है। यहां पर ये जो मैंने लिखाया था उसका खत्म हो चुका है, उसका पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब 2-3 कंसेप्ट आपको मॉडल से करना है, मॉडल से करना है, मतलब मैं जेकेसी के नोट्स पर लेके आ जाता हूं आपको, ठीक है, अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं, ठीक है, सब कुछ कवर किया मैंने, सिर्फ करना क्या है वो बता देता हूं, ठीक है। हाँ, ये देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी, यानी जब भी हम लोग ईसीबी रेज करेंगे हम लोग कुछ सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम इमोरल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम अपने कंपनी का शेयर गिरवी रख दे। जैसे देखो अगर फॉरेन लेंडर्स आपको लोन दे रहे, तो देखो जो भी लेंडर लोन देगा ना उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमेशा चाहिए रहता है, करेक्ट बोल रहा हूँ, जो भी लेंडर लोन देगा उसको क्या चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कंपल्सरी चाहिए होता है, क्लियर। अब यहां पर सिक्योरिटी हम क्या दे रहे हैं, या तो इमोबल प्रॉपर्टी, या तो मूवेबल एसेट्स, या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, या तो गारंटी वगैरह दे रहे हैं कि यार पैसा दे दो हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन सिक्योरिटी देने का कंडीशंस क्या है, तो ईसीबी आप लोग ईसीबी गाइडलाइंस के हिसाब से रेज किया है, फिर अग्रीमेंट में लिखा है कि सिक्योरिटी क्रिएट करना पड़ेगा, और आपने इधर के एग्जिस्टिंग लेंडर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है, जैसे आपके कोई यहाँ इंडिया के लेंडर है या जो भी आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स हैं उनसे आपने एनओसी लिया है कि मैं अब फॉरेन से पैसा ले रहा हूं और उन पर सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा हूं। फिर सिक्योरिटी क्रिएट करोगे तो आपके इमोबल प्रॉपर्टी पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो ये बोला है वहां पर। फिर ये प्लेज भी हो सकता है, ये मैंने आपको एफडीआई में सिखाया कि इंडियन कंपनी के प्रमोटर ईसीबी के लिए शेयर्स प्लेज कर सकते हैं, या इंडियन कंपनी के शेयर होल्डर्स ईसीबी के लिए अपना शेयर्स प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये लिखा है ईसीबी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हाँ जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ईसीबी ले सकती है, नॉर्मल मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 3 ईयर तक का, और कितना अमाउंट ले सकते हैं ये लोग, $10 बिलियन। कितना बोल दिया बेटा, $10 मिलियन, समझ रहे कितना ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, $10 बिलियन। अरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज्यादा पैसा लगता भी है वैसे, ठीक है। फिर लिखा है ईसीबी फॉर स्टार्टअप्स, अब स्टार्टअप्स का सेम है जो पूरा चैप्टर बोला है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, तो लोग स्टार्टअप होने चाहिए, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स, ये तो मैंने आपको उधर भी सिखाया मेन एफडीआर मेन ईसीबी में। फिर लेंडर्स कौन है, देखो जो फाटअप या आईओसीयू का मेंबर है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म्स कौन सा फाइल करना है आपको, करेंसी अमाउंट ऑल इन कॉस्ट एंड यूज कन्वर्जन सिक्योरिटी, सब सब सेम है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, ठीक है। देखो हेजिंग करना पड़ेगा, कन्वर्जन रेट होगा। फिर ये लिखा है बोरोइंग्स बाय एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी कंपनीज इन्वेस्टिगेशन के अंडर है
क्या वो ईसीबी ले सकते हैं? द आंसर इज यस, वो लोग ईसीबी ले सकते हैं, लेकिन ईसीबी लेने के टाइम उनको बोलना पड़ेगा, ईसीबी लेने के टाइम उनको बोलना पड़ेगा कि हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग के खिलाफ कोई केस या अपील वगैरह पेंडिंग है। क्लियर है? और एक होता है ईसीबी बाय रिस्ट्रक्चरिंग और रिफाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है? तो जिसका जो कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, रिफाइनेंसिंग हो रहा है, वो लोग भी ईसीबी ले सकते हैं, लेकिन उनको सारा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? और यहां पर अपना ईसीबी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने और एक पार्ट ए का चैप्टर खत्म कर लिया। मैंने आपका जितना भी रिविजन करवाया है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक का, वो सारा रिविजन मैंने स्ट्रिक्टली एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके करवाया है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ो, आप ये सारे चैप्टर के नोट्स पढ़ो, इनके अलावा भी जो चैप्टर्स मैंने कवर नहीं किया है उनको भी आपको पढ़ना है, तब जाके अपना पूरा एबीसीएल क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यूजुअली बच्चों को पार्ट ए में बहुत ज्यादा डाउट होता है, इसके लिए मैंने पार्ट ए में ज्यादा फोकस किया था। पार्ट बी में मैंने कॉम्पिटिशन एक्ट आपका रिवाइज करवा दिया है, और पार्ट सी में आपका वो सब आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो सब मैंने कवर करवाया नहीं है। क्लियर है? सो ऑन दिस नोट अपना यहाँ पर ये रिविजन का सीरीज खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।